बद्री नारायण मंदिर और शत्रुघ्न मंदिर है। किसी शत्रुघ्न भगवान की जय। तो शत्रुघ्न कौन है? शत्रुघ्न श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न प्रभु आए हैं। तो दशरथ जी के कोई भी संतान नहीं थी। यज्ञ किया और यज्ञ में क्या प्राप्त हुआ उनको? एक खीर का पॉइंट। खीर हाँ। और वो खीर को कैसे दशरथ अपनी तीनों पत्नियों में कैसे डिवाइड करते हैं? और बताएगा एक को हाँ। किसको देते हैं 50%? ऐश्वर्या देते हैं 50%। उसके बाद कैकेयी माता को रिमेनिंग 50% का 25% मतलब 25% हाँ। और उसके बाद वो ना खुर हो गया ना आपको बताएं पहले उसको 12.5% दिया था, 12.5% दिया था, फिर लास्ट में जो 12.5 था फिर से वो उन्हीं को सुमित्रा को दे दिया था। 50% दिया कौशल्या को, है ना? सही बता रहा हूँ ना? आपने पढ़ा हुआ है। और फिर 25% किसको दिया? केकेयी को दिया। 12.5% सुमित्रा। और फिर 12.5% बचा था लास्ट में, वो भी सुमित्रा जी को दिया। दो भाग में दिया। तो कौशल्या से किन्होंने जन्म लिया? श्री राम। और कैकेयी से कौन जन्म लिए? भरत। और शत्रुघ्न से सुमित्रा से लक्ष्मण और एक्चुअल में ये गलत, ये थोड़ा सा इस पे है ना प्रभु, 25% पहले सुमित्रा का दिया था, फिर 12.5% कैकेयी को दिया और रिमेनिंग 12.5% फिर सुमित्रा को दिया, करेक्ट? तो 25% जो सुमित्रा से को दिया, 50% जो कौशल्या को दिया, वो कौन? वासुदेव। वासुदेव मतलब श्री राम। वासुदेव प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो वासुदेव राम, संकर्षण लक्ष्मण, लक्ष्मण किससे हुए? सुमित्रा से, जो प्लस 25% दिया। फिर 12.5% किसको दिया था? कैकेयी को, भरत, प्रद्युम्न। और फिर रिमेनिंग 12.5% फिर किसको दिया था? सुमित्रा को। तो कौन हुए? शत्रुघ्न। वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। हाँ, पर भरत थोड़े से बड़े और हाँ चार। और चारों का जो जन्म है वो 2 या 3 दिन में ही चारों लोगों का जन्म हुआ, ऐसे हुआ। 2 या 3 दिन में 2 दिन में। और जिस प्रकार लक्ष्मण जी सदैव भगवान राम के छाया के रूप में साथ में रहते थे, सुमित्रा के दो बेटे हुए ना, पहले लक्ष्मण और दूसरे शत्रुघ्न, तो जिस प्रकार लक्ष्मण भगवान राम की छाया के जैसे उनके साथ रहते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत जी के साथ उनकी छाया के जैसे रहते थे। जहां भरत रहते थे वहां शत्रुघ्न रहते थे समर्पित, और इसी प्रकार जहां जहां राम रहते थे वहां लक्ष्मण जी रहते पूर्ण रूप से समर्पित। जो लक्ष्मण जी है वो गुरु तत्व है, वो हमें भगवान की सेवा में खींचते हैं, संकर्षण भगवान की सेवा में लाते हैं। और शत्रुघ्न जो है, प्रद्युम्न जो है, वो हमारे मन में भगवान के लिए आकर्षण क्रिएट करते हैं। प्रद्युम्न जो भगवान के लिए हमारे मन में आकर्षण, जैसे इस संसार में कामदेव है,
जो माया वैभव के लिए हमारे मन में आकर्षण क्रिएट करते हैं। इस मटेरियल में एक्चुअली कोई आकर्षण नहीं है, पर जो काम के हैं वो हमारे हार्ट में क्या करते हैं, इस मटेरियल सेंसेस के लिए आकर्षण क्रिएट करते हैं जिसमें कोई आकर्षण नहीं है। उसी प्रकार प्रद्युम्न जो है वो भगवान के लिए, वासुदेव के लिए हमारे मन में उनकी सेवा के लिए आकर्षण क्रिएट करते हैं। और अनिरुद्ध जो है वो हमारी इंद्रिय और मन का दमन करते हैं, जो भक्ति के विरुद्ध है उसको दमन करते हैं, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मतलब जो शत्रुओं का नाश करे, दमन करे। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? हमारा माइंड। और माइंड इज अवर बिगेस्ट एनिमी। तो जो मन की, मन को कंट्रोलिंग ड्यूटी है, माइंड की जो कंट्रोलिंग ड्यूटी है वो है अनिरुद्ध, और जो मैंने अवतार लिया है शत्रुघ्न के रूप में। तो यहाँ पे हम शत्रुघ्न जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे मन जो विरुद्ध भक्ति के जाता है उसका दमन करें, ताकि हम भगवान की सेवा में लगे पूर्ण रूप से। और जब भगवान राम लक्ष्मण वापस आते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो ये जो स्थान है ये देव भूमि है, ये पूरा उत्तराखंड उत्तराचल ये हिमालय के जो पर्वत श्रृंखलाएं हम देख रहे हैं, ये देव भूमि है। ये यहाँ पे तपस्या करते थे पहले के समय में, हर कोई इस स्थान पे आके तपस्या करता था। अभी हम आगे जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे वो स्थान जहाँ पे भरत महाराज ने तपस्या की थी। कौन से भरत महाराज? वो भरत महाराज जो हिरण को आकर्षित हो गए और फिर बाद में ऋषभ देव के पुत्र, और फिर बाद में कौन से लगे? तो फिर बाद में वो क्या किस रूप में जन्म लेते हैं? जड़ भरत महाराज रघुगुण उनके संपर्क में आते हैं, रघुगुण को शिक्षित करते हैं। होली लगी यही होली थी उत्तर में, उस स्थान पे हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा पैदल गंगोत्री के रास्ते पे जाते थे वो स्थान होता। तो शत्रुघ्न जो है भरत महाराज यहाँ रूल करते थे, शत्रुघ्न भी यहाँ पे रूल करते थे। ऋषिकेश जो है इस प्लेस पे काफी लोगों ने पास में यहाँ पे रूल किया। तो ये जो एरिया है उत्तराखंड देव भूमि, इसका पूरा जो भगवान राम थे पूरे विश्व को एम्परर थे, पूरा विश्व को रूल कर रहे थे। और ये जो पूरा एरिया है उन्होंने किसको रूल करने के लिए दिया हुआ था? शत्रुघ्न के लिए। यहाँ पे शत्रुघ्न जो है वो ऋषिकेश की प्रीडोमिनेटिंग डीटी है, ये यहाँ की वर्षे पे कोई देखती है। और जो मेन स्थान है गंगा तट जो बोला जाता है वो यही है सामने, राम झूला। भगवान राम और लक्ष्मण जब आए थे यहाँ पे तपस्या करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा उनको भास हुआ कि उन्होंने युद्ध किया था, और युद्ध में कई सारे राक्षस और कई सारे वानर और कई सारे ऐसे भी लोग जो निर्दोष थे, उन सब लोगों ने अपने प्राण दिए थे। तो राम और लक्ष्मण जो हैं उन्होंने यहाँ पे तपस्या, क्योंकि वो एक आदर्श पुरुष या आदर्श राजा और मनुष्य का जो है वो एज अ आइडियल पर्सन कैसे उसको रहना है, वो रिजेंबलिंग दैट। तो उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या ऑस्टेरिटीज की हैं। तो राम और लक्ष्मण जब इस स्थान पे आए थे ऑस्टेरिटीज करने के लिए, तो जाते पे देव भूमि में जब क्रॉस करते राम तपस्थली जाने के लिए, जहाँ पे राम जी ने तपस्या की है उस स्थान पे जाने के लिए, तो वहाँ पे पार करने के लिए गंगा को लक्ष्मण जी ने अपने बाड़ों से एक झूला बनाया था, उसको कहते हैं लक्ष्मण झूला। बाड़ों से तीरों से एक झूला बना दिया था, ब्रिज बना दिया था भगवान राम के लिए। और लौटने पे राम जी ने झूला बनाया था, तो इसको हम कहते हैं राम झूला, उसको कहते हैं श्री राम झूला लक्ष्मण झूला की। नहीं, वो जो बाणों से जो झूला था वो नहीं है, पर अभी अब सरकारी झूला
रघुवीर प्रभु पूछ रहे हैं जो एक झूला बन गया तो उसी में वापस क्यों नहीं आया? बाण बनाया और फिर उसको कर दिया, शायद उन्होंने रिसाइकल कर दिया। वो सबके लिए थोड़ा राम जी गंगा जी को पार करने के लिए बस कई साल लग गया तपस्या करने में, वापस अब चला लक्ष्मण जी चले। हरि बोल। राम जी भी छोड़ के चले। फिर प्लेस ऋषिकेश है, यहाँ पे सब लोग आते थे तपस्या करते थे। पर्टिकुलर तपस्या क्यों करते थे? ताकि सारी इंद्रियां और मन उनका हृदय में केंद्रित हो जाए, सारी ऋषि मतलब इंद्रियां सभी संयम हो जाए, हृदय में केंद्रित हो जाए। भगवान जो ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी है, उनके ध्यान में सारी हमारी इंद्रियां और मन जो है समर्पित हो जाए। तो यहाँ पे लोग आके तपस्या करते थे, योग करते थे, साधना करते थे, और यहाँ का वातावरण साधना के लिए तपस्या के लिए बहुत अनुकूल है। सो लेट अस ऑल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम भी अब क्या करें, साधना करें, अच्छी तपस्या करें। और क्योंकि यहाँ पे सभी देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि के भी दर्शन करेंगे। कौन बताइए? वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है वो उन्होंने यहाँ पे ब्रह्म ऋषि का उनको वरदान प्राप्त हुआ। तो सारे जितने भी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि और राज ऋषि सब यहाँ पे आके तपस्या करके गए। तो ये वो स्थान है, हम यहाँ पे आज हैं। तो वी कैन टेक ऑल देयर ब्लेसिंग्स एंड ऑल द डेमिगॉड्स, दे आल्सो डिसेंडेड दिस प्लेस, दे आल्सो परफॉर्मड ऑस्टेरिटीज। तो ये पहला मंदिर है, पहला दर्शन है यहाँ से ऋषिकेश से। अब ऊपर की यात्रा शुरू होती है। हेलो, बीच में जो है शत्रुघ्न जी हैं, इधर में सीताराम लक्ष्मण जी हैं, उस तरफ में आदि बद्री जी हैं, नीचे में वेद व्यास जी हैं और साइड में गरुड़ देव जी हैं। उस तरफ में आदि बद्री जी हैं, नीचे में वेद व्यास जी हैं, इधर में गरुड़ देव जी और बीच में शत्रुघ्न जी हैं। आदि बद्री